नथ में लीजिए कृष्णा जो है वो भगवान को प्यारी हो गई। अब घर वाले ही बंदूक तान कर खड़े हो जाएंगे तो भैया जान पर तो बनाएगी और वो खाई में गिर गई। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये सीरियल की बहू है, खाई से तो वो लौट यूं ही आएगी। कृष्णा को देखिए, वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई है, और मुसीबत में किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपने ही परिवार वालों की वजह से। अब जरा गौर से देखिए कृष्णा के परिवार को, आपको इन्हें देखकर लगेगा कि किसी ने इन्हें हिप्नोटाइज कर दिया है। सबके हाथ में बंदूक है और इनका निशाना बनने वाली है कृष्णा। हमारे पूरे परिवार को उन्होंने अपने वश में कर लिया है, और जो गौरी और सुकांत बोल रहे हैं वही हमारा पूरा परिवार कर रहा है। तो उन्होंने बंदूक लेके भेजा है और सब लोग खड़े हुए हैं और सबने मेरे ऊपर बंदूक तानी हुई है, और गोली चल जाती है और कृष्णा खाई में गिर जाती है। अब सुकांत और गौरी ने चाल ही कुछ ऐसी चली है कि पूरे परिवार वालों को कृष्णा नजर आ रही है। उनके सर पर भूत सवार है कि कृष्णा को रास्ते से हटाना है। बंदूक भी देखिए सबने तान ली है। अब ये सीन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। जरा देखिए कि कितना बड़ा क्रू लगा है इस सीन को शूट करने में। हाँ, सबने बंदूक तानी हुई थी और मैं मतलब समझ नहीं पा रही थी ये लोग क्यों ऐसे कर रहे थे। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये लोग मतलब सबको वश में कर लिया है, पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं अकेली हूँ और पूरे परिवार ने बंदूक तान रखी है। मैं उनको समझा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, पर कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग उनके काबू में है और सबने मेरे ऊपर बंदूक तानी हुई है, तो कोई मेरी बात ना सुन रहा है ना समझ पा रहा है। और तो और जीत जिसे होश ही नहीं है उसके हाथों बंदूक भी चल गई। गौरी पहाड़ से नीचे गिर गई। जैसे ही गौरी नीचे गिरी घर वालों को होश आ गया कि अरे ये उन्होंने क्या कर दिया। अब ये सब तो हिप्नोटाइज थे, इन्हें पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे थे। मौके पर पुलिस भी आ गई है। अब पूरे परिवार वाले कैसे बचेंगे? क्या कृष्णा सच में मर जाएगी या फिर मर कर लौटेगी किसी और अंदाज में? मैं तो यही कहूंगी, आप लोग बहुत इमोशनल होने वाली है हमारी ऑडियंस, और शायद रोने भी लगे क्योंकि इतना इमोशनल सीक्वेंस है ये जो आज हम शूट कर रहे हैं। हम लोग शूट करते हुए भी रोने लगे, सो आप लोगों को देख के अच्छा लगेगा, उदास होंगे, दुखी होंगे। अब सीरियल की कहानी में तो अक्सर ऐसा होता है, और वैसे भी हमने सुना है कि सीरियल में जल्द ही एक नया किरदार आने वाला है, तो कहीं ये तैयारी उसी की तो नहीं है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।